लेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा तेल और 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। तुम्हारा पलटा जल कैसे गया? मैंने जला दिया। बहुत अच्छा। वो गीला था, उसे सुखाने के चक्कर में मैंने उसे जला दिया। गुड। तो मम्मी आज आपको कैमरे के पीछे बैठ के कैसा लग रहा है? बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग होगी। यूजुअली कैमरा मैं पकड़ती हूँ। बहुत मुश्किल है कैमरा पकड़ के बैठे रहना। अब तेल और बटर कुछ गर्म हो गया लगता है। गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, तेज पत्ता, हरी इलायची, काली इलायची, दालचीनी और लौंग। थोड़ा सा गरम मसाले को भून लेंगे। थोड़ी खुशबू आ जाए तब तक। मुझे तो आ रही है खुशबू। आ गई खुशबू। प्याज कितना लियो? प्याज लिया है 2 प्याज कटा हुआ। जितना भी सामान जितने क्वांटिटी पनीर में कितने लियो? पनीर कितने? आधा किलो पनीर में 2 प्याज। अच्छा, मीडियम साइज। मीडियम साइज। जो भी क्वांटिटी है जो है सब मैं कैप्शन में इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी मेंशन कर दूंगी। अब इसे हम थोड़ा भून लेंगे। इस प्याज को मीडियम फ्लेम पे हम अभी भून रहे हैं। इसको तेज करने के लिए इसमें हम नमक डाल देंगे। एंड मिक्स 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 मिक्स। तो हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि अगर इसे हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल जल्दी जाएगा और पकेगा नहीं। हमारा प्याज थोड़ा थोड़ा भुन गया, हल्का हल्का गल गया। अब इसमें हम धनिया के डंठल, 4 टमाटर, मीडियम साइज या छोटा? स्मॉल साइज। स्मॉल साइज। अदरक और लाल टमाटर होना चाहिए। चार से पांच लहसुन, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, टमाटर और काजू। काजू से जो शाही पनीर का क्रीमीनेस होता है वो काजू से ही आता है। अब इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर जो है वो गल ना जाए, मशी ना हो जाए, मशी गल ना जाए, लस लस ना हो जाए। बिल्कुल पक ना जाए। बिल्कुल पक ना जाए। अब इसे हम ढक देंगे। मैं पूछना भूल गई थी, ये धनिया का डंठल क्यों डाली है? धनिया के डंठल से फ्लेवर आता है। बहुत सारे अपनी डिशेज में मैं धनिया का डंठल डालती हूँ। अभी
ये मशी होने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से मशी हुए नहीं है टमेटो। अभी इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे ढक के। हम थोड़ा सा पानी डाल के पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से पक जाएं, इंक्लूडिंग काजू और क्या ये आपका लहसुन अदरक प्याज सब कुछ पक जाए। अब इसमें पानी डालने के टाइम पे हम लोग ठंडा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा गर्म पानी डालेंगे, क्योंकि ठंडा पानी जो डालते हैं उससे, क्योंकि ये चीज़ गर्म है और ठंडा पानी इसमें डालेंगे तो जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा गर्म पानी डालते हैं ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्लो ना हो, और ठंडा पानी डालने से कुकिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इसमें थोड़ा ड्राई पानी डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। कलर तो अच्छा आ रहा है, इससे अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं ढक के। सारी चीज़ें गल गई हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हमारा ग्रेवी का मिक्सचर रेडी है। अब इसको हम थोड़ा ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे, बस थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी। ठंडा हो गया, अब इसे पीसने से पहले हम इसमें से दालचीनी, तेज पत्ता और बड़ी इलायची निकाल देंगे। अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। पीसने से पहले इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि स्मूथ पेस्ट बन जाए। अब ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है, अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे ग्रेवी बनाने से पहले। इसको स्ट्रेन करने से जो ग्रेवी है वो बिल्कुल स्मूथ रहेगी, ऐसे बिना स्ट्रेन किए बनाएंगे तो इसमें कुछ कुछ पार्टिकल्स आते रहेंगे या थोड़ा मोटा थोड़ा वो रह जाएगा, लेकिन स्ट्रेन करने से ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। ये जो आपको दिख रहा है ये दाने, ये रेसिड्यू, इसी की वजह से हम स्ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर खाते टाइम मुंह में आएगा तो जो एक्सपीरियंस होता है खाने का वो कम हो जाता है, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन, तो इसीलिए आई प्रेफर स्ट्रेनिंग द ग्रेवी फर्स्ट। ये अच्छे से अब छन गया है और स्मूथ पेस्ट रेडी हो गया है हमारे पास। अभी हम एक कटोरे में दही लेंगे, जैसे कि दाल में तड़का डलता है जीरे का, घी का, वैसे ही शाही पनीर में हम थोड़ा दही का तड़का डालते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा था जिससे टेस्ट एनहांस होता है शाही पनीर का, इसीलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। आप ना चाहें तो आप ना भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस दही में हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे,
एक चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, इसे कलर के लिए डालते हैं। और इसे मिक्स कर लेंगे। अदरक ऐड करेंगे, लंबा लंबा कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च और इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से तीखापन नहीं आएगा लेकिन कलर आएगा। इसमें हम अपना दही का मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने रेडी किया है। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक दही और तेल अलग नहीं हो जाते। फ्लेम अभी हमने मीडियम कर रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तेल साइड साइड में से छोड़ रहा है, अलग हो रहा है मेन ग्रेवी में से, मतलब हमारा मसाला तैयार हो रहा है। चलाते रहना है नहीं तो फिर मसाला जल जाएगा। ये भी मुझे सिखाएगी खाना बनाना, मैं तो नहीं सिखाई, ये मुझे सिखाएगी। ये सीखो, नेक्स्ट टाइम आप बनाना। जी नहीं, ये सब काम आप ही करोगे। मैंने आपके और आपके नहीं, बेटे नहीं, के नहीं, लिए कम तीखा बना रही हूँ, तो आप लोग मैं थोड़ा से नहीं बना सकती। मैं फटाफट बनाने वाली हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ, इतना मेरे में पेशेंस नहीं है। इसमें मैंने जूलियन अदरक इसीलिए डाला था क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, कोई भी ग्रेवी वाले उसमें खाओ तो जूलियन अदरक मेरे को खाने में अच्छा लगता है। अब ये हमारा तो पक गया। अब हम इसमें हमने जो ग्रेवी के लिए पहले पीस के रखा था अब हम उसको ऐड कर देते हैं, मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें कोई फूड कलरिंग नहीं डाली है, कुछ नहीं डाला है, फिर भी इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा है। भी हमारा फ्लेम मीडियम पे ही है। अब हम इसमें कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए पानी डालेंगे। अभी भी हम गर्म पानी ही डाल रहे हैं ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है स्लो ना हो जाए। बाद तो हम शाही पनीर खाएंगे रोटी के साथ, तो उसके हिसाब से मैं अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ही रखूँगी, लेकिन क्योंकि अभी इस ग्रेवी को और पकना है तो इसलिए मैं पानी डाल रही हूँ जो कि रिड्यूस होके कम हो जाएगी और ग्रेवी जो है वो थिक हो जाएगी।
सी चीनी डालेंगे जो भी खटापन होगा उसको हटाने के लिए। आप शहद भी यूज़ कर सकते हो, अभी मैंने चीनी यूज़ की है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चीनी डालनी है, नहीं तो आपका ग्रेवी मीठा हो जाएगा। हमारे घर पे मीठी ग्रेवी किसी को नहीं पसंद। इसको स्टर करना है और इसे उबाल आने का वेट करना है और थोड़ा रिड्यूस हो जाए ग्रेवी उसका वेट करना है। अब हमारा ग्रेवी काफी थिक हो गया है, हमारे हिसाब से थिक हो गया है, तो अब हम इसमें पनीर डालेंगे क्योंकि ये शाही पनीर है और शाही पनीर का सिग्नेचर होता है इसके ट्रायंगल पीस वाले पनीर। तो हमने भी ट्रायंगल पीस में पनीर काट लिए है और अब हम पनीर इसमें ऐड कर रहे हैं। फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर और सिमर होने देंगे मीडियम लो फ्लेम पे और उसके बाद हम अपने फाइनल टचेस ऐड करेंगे। अब हमारा शाही पनीर अच्छे से सिमर हो गया, कंसिस्टेंसी ठीक है। अब फाइनल टच के लिए हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने से इसमें जो शाही पनीर का जो रिचनेस होता है वो अच्छे से निकलेगा और ऊपर से धनिया पत्ता। अब क्रीम ऐड करने के बाद हमारा ग्रेवी अच्छे से रेडी है, इसे हम थोड़ा मिक्स भी कर लेते हैं। हमने गैस ऑफ करके क्रीम इसलिए ऐड किया है क्योंकि अगर गैस ऑन रहेगा तो हो सकता है क्रीम फट जाए, नहीं तो हमें अगर गैस ऑन किए कि हमें अगर हमें क्रीम डालना है तो थोड़ा सा क्रीम लेके और थोड़ा सा ये ग्रेवी लेके साथ में मिक्स कर लो और उसके बाद उसे डाल दो और उसके बाद क्रीम डालो तो फिर गैस ऑन रहने पर भी क्रीम फटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्रीम डाला है तो हमने गैस ऑफ करने के बाद डाला है ताकि क्रीम फटे ना। ये हमारा शाही पनीर रेडी है, इसका कलर भी बिल्कुल अच्छे शाही पनीर वाला आ रहा है। हम बस थोड़ा गार्निशिंग के लिए क्रीम ऐड कर देते हैं एंड वोइला, हमारा शाही पनीर रेडी है।